देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में वर्ष 2023 में यानी पिछली एक दो किस्त में जो बदलाव हुए हैं और आगे जो हमेशा पैसा मिलेगा उसमें किसानों के लिए ये बदलाव हमेशा के लिए रहेंगे। तो पीएम किसान योजना में से क्या बदलाव हुए हैं जो हर एक किसान के लिए ज़रूरी है? इसमें लैंड सीडिंग, ई केवाईसी, आधार बैंक एक बहुत बड़ा मुद्दा है, यानी पेमेंट मोड आधार होने के बाद किसानों को क्या क्या काम करने होते हैं, सरकार आधार मोड पर किस तरह से पैसा दे रही है, कुछ किसानों का अगर पैसा नहीं आ रहा है, अगर कुछ किसानों का पैसा आ रहा है तो उनके आगे क्या बात का ध्यान रखना है जिससे हमेशा उनको सही तरह से पैसा मिल सके। चलिए आज हम आपको प्रैक्टिकली बताते हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। आपको आधार बैंक, बैंक खाते में आधार लिंक है, और ज़्यादातर जो लोग हैं जिनको पीएफएमएस के बारे में नहीं पता, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, वो किस तरह से काम करता है वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, पीएम किसान योजना जो 2019 में शुरू की गई थी, और पहले तक ये योजना बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रही थी, लेकिन वर्ष 2023 में इसमें बहुत बड़े बदलाव किए गए। इसमें तीन बदलाव किए गए, पहला तो पेमेंट मोड का, दूसरा ई केवाईसी का, और तीसरा लैंड सीडिंग का। अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि ये पेमेंट मोड का क्या बदलाव किया गया। तो पहले यहाँ पर इसको अकाउंट मोड पर पैसा मिलता था, अकाउंट मोड पर, लेकिन फिर क्या किया, अभी इसमें 2023 के बाद जितने भी दो किस्तें मिली है, आगे भी पैसा मिलेगा तो वो आधार मोड पर मिलेगा, आधार मोड पर पैसा मिलेगा। और आधार मोड का मतलब होता है कि पहले तो जो आईएफएससी कोड अकाउंट नंबर दिए थे उनमें पैसा आ जाता था, लेकिन अब इसमें आधार में जो आपका लिंक बैंक अकाउंट उसी में पैसा आएगा। अब बात करते हैं ई केवाईसी का बदलाव क्यों किया गया। क्योंकि ई केवाईसी का बदलाव इसलिए किया गया क्योंकि सरकार ने जो पेमेंट मोड आधार किया, तो सरकार के पास किसान के आधार के अंदर कौन सा बैंक खाता जुड़ा हुआ है वो सरकार किस तरह से ले सकती है, इसके लिए या तो किसान ई केवाईसी कराएगा तो ओटीपी बताएगा, या फिर फिंगर लगाएगा। तो फिंगर और ओटीपी लगाने से वो किसान की ई केवाईसी करते ही जो आधार वाली डाटा है, यानी आधार में जो बैंक खाता है, आईएफएससी कोड है, जो बैंक जुड़ा हुआ है, उसकी डिटेल आ जाएगी, बाकी नाम पता वगैरह भी आ जाएंगे, यानी आधार की पूरी डाटा आ जाएगी, यानी आधार मोड करते ई केवाईसी करनी पड़ी। दूसरी बात, अब लैंड सीडिंग क्यों कराई, क्योंकि सरकार में जो पहले लाभार्थी जुड़े हुए थे, जो किसान जुड़े हुए थे, या तो बहुत सारे लोगों ने ज़मीन बेच दी, या फिर परिवार में और सभी लोगों के नाम थे उन्होंने भी आवेदन कर रखा था, या फिर आवेदन तो कर रखा था लेकिन किसान के नाम ज़मीन ही नहीं है, इस तरह के बहुत सारे मैटर सामने आए, तो सरकार ने लैंड सीडिंग भी शुरू की। तो जिनका नाम नहीं था वो वैसे कट गए, और जिनका नाम था या फिर परिवार में ज़्यादा सदस्य फ़ायदा ले रहे थे तो उनका वैसे कट गया, या फिर जिनका पीएम किसान योजना में ज़मीन बेच दी, खरीद ली, इस तरह का कोई मैटर था तो उनका भी नाम कट गया, इसलिए लैंड सीडिंग शुरू की गई। अब लैंड सीडिंग का काम तो सिर्फ इतना ही है कि कोई ज़मीन में कुछ लेन देन हुआ है, खरीद बेच हुआ है, नाम नहीं है, तो उनका यस और नो हो जाएगा, यानी रिजेक्ट और एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन ई केवाईसी का और पेमेंट मोड का बहुत बड़ा लफड़ा है। इसमें अगर आपका पेमेंट मोड आधार हो जाता है, उसके बाद भी आपको बहुत सारे काम करने होते हैं, जैसा कि आपको सबसे पहले पेमेंट मोड आधार हो गए, ई केवाईसी करवानी पड़ेगी पेमेंट मोड आधार होते हुए। अब ई केवाईसी करने के बाद भी आपके बहुत सारे काम हैं। अब आपके बैंक खाते में अगर आधार लिंक नहीं है, ई केवाईसी भी कर ली है लेकिन आधार लिंक करना होगा, इसके लिए आपको या तो ऑनलाइन भी हो जाएगा, या फिर ऑफलाइन भी हो जाएगा, दोनों काम तरीके से आप है बैंक खाते में आधार लिंक कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर है, ऑनलाइन का ऑफलाइन का दोनों तरीका है, लेकिन मैं आपको पहले प्रैक्टिकली बता देता हूँ। आधार लिंक करने के बाद आपको 48 घंटे के अंदर एक मोबाइल पर SMS मिलता है कि आपके बैंक खाते में आधार लिंक हो चुका है। उसके बाद क्या, उसके बाद बैंक खाते में आधार लिंक कर लिया है और आपके आधार की पोर्टल पर दिखा रहा है कि आपने आधार NPCI लिंक कर लिया है। NPCI का मतलब पता है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी जो भी सरकार DBT वगैरह का पैसा भेजेगी वो आपके NPCI लिंक बैंक अकाउंट में मिल जाएगा, NPCI। तो ये प्रॉब्लम होती है कि अगर NPCI से लिंक तो कर लिया है लेकिन वो PM किसान में जुड़ेगा या फिर नहीं जुड़ेगा, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। PM किसान में भी जुड़ना ज़रूरी है, इसलिए सरकार ने जो सरकारी योजनाओं का पैसे देने का है वो सारा काम यानी PFMS को दे रखा है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, यानी वहाँ पर सभी का जितना भी पैसा मिलता है वो वहाँ पर रजिस्टर होता है। PFMS वाले हैं वो किसान की डाटा उठाते हैं और जो भी पैसा जिस भी योजना का डालना होता है वो डाल देते हैं।
अब PFMS का काम होता है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, यानी उस पैसे देने की प्रक्रिया को मैनेज करने का काम होता है। अब ये PFMS है, ये जैसे कि PFMS पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, वो आपका NPC या बैंक खाते में आधार लिंक है, लेकिन वो PFMS के साथ नहीं, यानी PFMS है उसके साथ भी लिंक होना चाहिए, तभी जाकर आपका PM किसान योजना का पैसा आ पाएगा। अब PFMS आपके बैंक खाते में आधार लिंक होने के कुछ दिन बाद आपकी डाटा उठाएगा। उठाने के लिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले उसके पास है वो डाटा जाएगा, जो PM किसान योजना के अधिकारी है PFMS के पास डाटा भेजेंगे। उसके बाद वो 2 या 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन भी हो सकते हैं, डाटा चेक करेगा, पेंडिंग में रखेगा, उसके बाद वो एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद अगर PFMS एक्सेप्ट कर लेता है तो उस समय आपका जो है आपका PM किसान योजना का फॉर्म बिल्कुल है वो सही हो जाएगा और आपके स्टेटस में आधार बैंक सेटिंग यस हो जाएगा। लेकिन जब तक ये PFMS एक्सेप्ट नहीं करता, पेंडिंग रखता है, तब तक आपको 2,000 रुपये किस्त नहीं मिलेगी, चाहे आपकी NPC जुड़ी हो, बैंक खाते में आधार जुड़ा हो या फिर न जुड़ा हो। कुछ लोग यही बोलते हैं कि हमारा तो आधार जुड़ा हुआ है, अब क्यों नहीं पैसा मिल रहा है, तो प्रॉब्लम ये PFMS में आ जाती है, क्योंकि आधार जुड़े होने के बाद ही PFMS के पास जो डाटा भेजा जाता है वो PFMS चेक करके एक्सेप्ट कर लेता है, होता है। अब PFMS बहुत सारे रीजन दे देता है कि आपके बैंक खाते में आधार तो लिंक है लेकिन उसमें DBT एक्टिव नहीं है, या फिर वो बैंक अकाउंट सही नहीं है, या फिर वो बैंक अकाउंट एक्टिव नहीं है, या फिर DBT एक्टिव नहीं है, या फिर इसमें बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, DBT इनेबल, DBT नेवर इनेबल और DBT डिसेबल, इस तरह के बहुत सारे कारण ये PFMS दे देता है और आपकी डाटा एक्सेप्ट नहीं करे तो नहीं करे। इसलिए अगर एक्सेप्ट हो गया तो फिर आपका पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, इस किसान का मैंने स्टेटस ओपन किया है, इस किसान की डाटा है वो 5/8/2023 को यहाँ पर PFMS के पास भेजी गई थी, यानी तैयार हुई थी, फिर इसकी डाटा अभी तक पेंडिंग थी। लेकिन अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ताज़ा स्टेटस में इसका देख सकते हैं, 5/8/2023 के बाद 2 या 3 दिन बाद डाटा भेज दी गई, पहले तैयार हुई थी उसके बाद भेजी गई, उसके बाद रिजेक्ट कर दिया PFMS ने, UDI इज डिसेबल फॉर DBT, यानी यहाँ पर इस तरह से दिखा रहा है 9 तारीख को इसका रिजेक्ट हुआ था। अब किसान बोल रहा है कि हमारे तो बैंक खाते में आधार लिंक, अब किसान तो ये स्टेटस दिखा रहा है कि हमारा तो देखिए कि हमारा PM किसान का जो आधार लिंक करने का बोला गया था हमने लिंक करा लिया है, डेट भी देख सकते हैं इस बैंक में लिंक कराया है, सब कुछ सही है, फिर भी पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, ये तो सब कुछ सही है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम इस PFMS वाले में है, इसका PFMS वाला है, या तो UDI डिसेबल हो सकता है, UDI नेवर इनेबल भी हो सकता है, और बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर आपके बैंक खाते में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है तो वो रिजेक्ट कर देगा, DBT ऑप्शन एक्टिव नहीं है फिर भी रिजेक्ट कर देगा। इसलिए आपको PM किसान योजना में 3 स्टेटस हैं, जैसा कि सबसे पहला स्टेटस है यहाँ पर PM किसान का स्टेटस है, उसके बाद है आधार बैंक लिंक का, उसके बाद है PFMS बैंक स्टेटस का। ये तीनों स्टेटस अगर आपके यस हो जाते हैं, एक्सेप्ट हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, तब जाकर आपका पेमेंट मोड आधार बनता है और आधार मोड पर आपकी किस्त आना शुरू होती है। लेकिन आपका PM किसान के स्टेटस में सही दिखा रहा है क्योंकि वहाँ पर डाटा बहुत लेट अपडेट होती है और आधार बैंक आपने लिंक करवा लिया है 48 घंटे में लिंक हो जाता है, लेकिन ये ऑटोमेटिक काम होता है PFMS वाला। अगर ये अटक गया तो इसका मतलब है कि आपका सब कुछ सही होते हुए पैसा नहीं मिलेगा, और इसको लोग बहुत कम जानते हैं, इसलिए हमने आपको जानकारी बताई। इन तीनों के लिंक आपको गूगल में जाकर आप जैसे सर्च करोगे PFMS स्टेटस चेक माय ही इन्फो, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला ऊपर आपको मिल जाएगा PFMS स्टेटस चेक माय ही इन्फो 2023, तो ये भी आप सर्च कर लेना। सर्च करते ही आपको पहला पेज मिलेगा, यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से स्टेटस चेक कर सकते हो। बाकी जो आपका आधार बैंक वाला भी यहीं पर मिल जाएगा, तीनों स्टेटस चेक करके अगर आपका तीनों एक्सेप्ट है फिर आपको PM किसान की किस्त मिलेगी। अगर आपको PM किसान की महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।